कस्टमर आपसे बाय क्यों करेगा? सपोज आई एम सेलिंग वॉट एवर, मैं कुछ चीज़ें बेच रहा हूँ, तो वो आप ही से क्यों खरीदेगा? तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट हो फ्रॉम अदर्स? आपकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी का आप बोल भी नहीं सकते, सपोज कर राइस का है या तो कोई प्रोडक्ट है, अब जो राइस उगते हैं खेतों में वही आप ऐसे तो बोलोगे एक्सपोर्ट क्वालिटी के मेरा अलग ही मैंने उगाया, ये चीज़ें मत बोलना पड़े। या तो आपकी क्वालिटी बढ़िया है, या तो आपकी पैकिंग कैसी है उस चीज़ के ऊपर है, या तो आप ट्रेडिशनल कुछ पैकिंग वगैरह के दे रहे हो, ठीक, ऐसा कुछ बताओ जाता कि लोग कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो। ये तो वैल्यू एडिट करो उसमें कुछ, है ना, जो सारी चीज़ें कर रहे हो वो मत करना, पहले बता रहा हूँ। और अनियन है तो आप होता है ना सूखा अनियन बेच सकते हो, पोमेग्रेंट लोग बेच रहे तो आप उसको जूस बना बना के आप सेल कर सकते हो, हनी है, हनी का किसी एकदम से जंगलों से भी ले सकते हो, लैब में करो प्योर एकदम हनी देके उसका वैक्स भी आपको फ्री में मिल जाएगा, उसको उस वैक्स के अलग प्रोडक्ट्स बना। या तो बैम्बू स्टिक्स है आपकी, बैम्बू के जो स्टिक्स होते हैं बैम्बू के प्रोडक्ट्स है आपके, ब्रश वगैरह आजकल हर चीज़ आपको बैम्बू के मिलेगी। खाने का पत्ता जैसे ना पुराने ज़माने के लोग या तो साउथ में भी पत्ते पे खाते हैं, तो एक जर्मन कंपनी ने क्लेम किया वी आर द फर्स्ट वन हु प्रेजेंट दिस काइंड ऑफ प्लेट्स कि जहाँ पे इको फ्रेंडली प्लेट्स वगैरह। तो इंडिया में तो कब से चल रही है चीज़ें, बट ना कोई पेटेंट बनाता है ना कोई इसको एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्ट होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो कि आपसे कस्टमर क्यों खरीदेगा एंड हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। आप बच्चों की कैटेगरी के लिए बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल डायपर बच्चों के लिए बना रहे हो, वही डायपर आपका एडल्ट के लिए जाता है, राइट? तो कैटेगरी समझो, और किस कंट्री में एज रेशो मतलब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे सर्वाइव करते हैं उसका भी स्टडी इंपॉर्टेंट। अगर डायपर बेच रहे तो पता चला आपने ऐसे कंट्री पकड़ी जहाँ पे लोग 50-60 साल के ऊपर जीते ही नहीं, 60 के ऊपर, तो वैसे में क्या फोकस करोगे आप, है ना? अब इसके बाद आता है कि मेन आप इन डिस्कस करो कि मैक्सिमम लोग फेल क्यों होते हैं बिजनेस में, इसके ऊपर फोकस करना। और उसके ऊपर मेन क्वेश्चन आता है कि बायर फाइंडिंग कुछ नहीं होता है। देखिए आपको डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए कि कैसे क्या होता है, वो बाय करना शिपिंग से कस्टम से वो किसी काम करें ना ही गूगल से। बायर तो गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, ऐसे लिख के कि हाउ टू फाइंड बायर्स, सपोज राइस इंपोर्टेंट दुबई, कितनी सारी कंपनी आएगी और उसमें से जेन्युइन कौन सी है ये पता होना चाहिए। एंड इट्स नॉट अबाउट जेन्युइन, इट्स ऑल अबाउट कि हाउ टू अप्रोच देम। ये मैं बिलीव नहीं करता कि गूगल पे ऐसे ढूंढा हो कि कंपनी मिल गया, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा, बट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था कि आपने गूगल पे भी डाल देगा तो लिस्ट आ जाएगी आपको। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस फेल क्यों होता है, और कस्टमर फाइंडिंग के लिए तो वो अलग ही लेवल है, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। आई होप कुछ आपको समझ आया होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, और कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो इन केस मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन है, आप मेरे पास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ज्वाइन कर सकते हो, मैं सिखाता हूँ 1-to-1 पर्सनल बेसिस पे भी। एंड थैंक्स फॉर गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।